भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा अजमेर देहात के अवधान में ऐसे मोर्चा जिलाध्यक्ष चेतन गोयर ने जिले की मोर्चा टीम के साथ दलितों पर हो रहे निरंतर हत्याओं व अत्याचार को रोकने व जल्द से जल्द समुचित न्याय दिलाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में दलितों पर निरंतर हो रहे अत्याचार को रोकने में नाकाम राजस्थान की कांग्रेस सरकार को निर्देश देने एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने के दौरान सभी अनुसूचित जाति मोर्चा अजमेर देहात की एवं मंडलों की समस्त कार्यकारिणी एवं महिलाओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया एवं इसी के साथ ही जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर अपनी नाराजगी जताई। अजमेर देहात एससी मोर्चा जिला अध्यक्ष चेतन गोयर ने बताया कि राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार निरंतर बढ़ रहा है। अपराधियों में भय नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार दलित पिछड़ों एवं गरीबों की चिंता के लिए बगैर केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति वे सरकार बचाने में जैसे तैसे लगी हुई है। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए यह बेलगाम होकर अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान में पूर्व में घटित इसी तरह की घटनाएं पर भी अनुसंधान के नाम पर केवल मात्र लीपापोती कर दी जा रही है। ज्ञापन में दलित समाज की सुरक्षा एवं सहायता के लिए लगातार असमर्थ एवं नाकाम हो रही राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन हेतु केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश भेजने का आग्रह किया गया है। साथ ही बालोतरा की मृत पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, सुरक्षा एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाए जाने की मांग की है। ज्ञापन देने के दौरान अनुसूचित जाति मोर्चा महामंत्री रवि चौहान, संजय चंदालिया, अनुसूचित जाति मंडल अध्यक्ष विपिन गुजराती, मंडल अध्यक्ष रोशन चुनरिया, खरवा मंडल अध्यक्ष शिवराज भोला, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गजानन राव, मसूदा मंडल अध्यक्ष दसराज पंवार, रामगढ़ मंडल अध्यक्ष टीकम मेघवाल, नसीराबाद मंडल अध्यक्ष धनराज जाटोलिया, अनुसूचित जाति मोर्चा उपाध्यक्ष बंटी ओसिया, उपाध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप बारेसा, अनुसूचित जाति मोर्चा मंत्री ईश्वर धवल तथा श्रीनगर मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण व सभी भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे।